हेलो फ्रेंड, निर्भय वनवन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एलआरसी रिक्रूटमेंट 2022 का जो न्यू वैकेंसी आया है, इसमें जो पोस्ट रखा गया है टोटल 9357 पोस्ट है, तो समझ सकते हैं बहुत बड़ा ये अपडेट है। और ये पूरा जो है फुल्ली सिविल वाले के लिए है और यहाँ पर परमानेंट जॉब आपका होने वाला है। यहाँ पर किसी तरह का एग्ज़ाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका जितना मार्क्स स्कोर किए हैं बीटेक या डिप्लोमा में उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और बीटेक अगर किए हैं तो वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसका ये एडवर्टाइजमेंट है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ये वैकेंसी आया हुआ है। और यहाँ पर टोटल पोस्ट का अगर बात करें तो देख सकते हैं कि 8244 तो इतना पोस्ट रखा गया है। ये जो है अमीन के लिए पोस्ट रखा गया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 8244 और इसमें देखेंगे अनुसूचित जाति में 1301 है, अनुसूचित जनजाति में 75, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1422, उसके बाद पिछड़ा वर्ग में 917, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए जो है 282 और अनारक्षित यानी UR के लिए 3525। इस फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिजर्वेशन मिलेगा वो सिर्फ बिहार स्टूडेंट के लिए रिजर्वेशन रखा गया है। ठीक है, उसके बाद और डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा आपका होना चाहिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे आपको सैलरी जो प्रोवाइड किया जाएगा 31,000 से आपका स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे उम्र सीमा का बताया गया है, न्यूनतम आपका 1/1/2022 तक 18 साल और अधिकतम आयु 37 वर्ष होना चाहिए। और तीन साल का जो रिलैक्सेशन मिलता है OBC के लिए वो मिल जाएगा और 5 साल SC ST कैंडिडेट के लिए। चयन का जो प्रक्रिया है यहाँ पे मैट्रिक और डिप्लोमा में आप कितना परसेंटेज स्कोर किए हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा और उसी के बेसिस पे मेरिट यहाँ पे तैयार किया जाएगा और काउंसलिंग के लिए आपको जो है कॉल लेटर आएगा। अब यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन का जो दिनांक है 21/10/2022 से स्टार्ट हो जाएगा और 16/11/2022 तक चलने वाला है। अब अपना फॉर्म जो है अप्लाई करेंगे इस लिंक पे, यहाँ पे दिया गया है, तो इस लिंक पे क्लिक करके जो है आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये था अमीन पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं दूसरा जो पोस्ट है, दूसरा जो यहाँ पे पोस्ट है बिहार सर्वेक्षण कानून अंगों। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो जो टोटल पोस्ट है यहाँ पे 758 पोस्ट रखा गया है और यहाँ पे अनुसूचित जाति में 135, अनुसूचित जनजाति में 7, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 127 और पिछड़ा वर्ग में 91 और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 32 और यहाँ पे अनारक्षित यानी UR के लिए 302, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 64 रखा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण के बारे में लिखा है कि ऑल ओवर इंडिया से आप तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो बिहार का है उसी को जो है यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्लस 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी रखा गया है। तो अगर आपके पास डिप्लोमा सिविल से किए हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और इसमें सैलरी मिलेगा 36,000 आपका टोटल स्टार्टिंग सैलरी होने वाला है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस का भी बात किया है कि कहाँ से एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 2 वर्ष का सरकारी या निबंधित और गैर सरकारी संस्थान से आप जो है यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद उम्र सीमा देखिए, यहाँ पे न्यूनतम जो है 1/1/2022 तक 18 साल और उसके बाद अधिकतम जो है 37 साल और 3 साल जो मिलता है रिलैक्सेशन OBC और SC ST के लिए 5 साल। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चयन का प्रक्रिया इसमें क्या होगा, तो मैट्रिक डिप्लोमा एवं न्यूनतम कार्य अनुभव के पश्चात जो यानी आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार आपको 5 से अधिकतम जो है 20 अंक का जो है आपको ये वेटेज मिल जाएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक और डिप्लोमा और जो एक्सपीरियंस है आपका जितना साल का एक्सपीरियंस है, अगर 4 साल का है तो आपको 5 और 20 हो गया, यानी कि आपको 20 नंबर आपके यहाँ से एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं कि फाइनल जो स्कोर यहाँ पे बनेगा, इस यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है इसी के अनुसार आपका होगा।
उसके बाद ऑनलाइन देख सकते हैं कि 21/10/2022 से लेकर 16/11/2022 तक चलने वाला है। अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है, इस साइट पे क्लिक करके जो है अप्लाई कर पाएंगे। और तो ये हो गया आपका बिहार सर्वेक्षण के लिए। अब उसके बाद एक और पोस्ट के लिए है, ये जो अलग पोस्ट है यहाँ पे बिहार सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पदों पर है, इस जो कि इसमें बी बी टेक जो है स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसका देखेंगे यहाँ पे टोटल पोस्ट तो 355 रखा गया, और अनुसूचित जाति में 57, अनुसूचित जनजाति में 4, उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 71, पिछड़ा वर्ग में 37, उसके बाद महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन है यहाँ पे 13, उसके बाद यू आर में 145 और डी क्यू के लिए यहाँ पे 28 है। यहाँ पे भी सारा कुछ वही सेम है, महिलाओं के लिए जो 35% का आरक्षण होता है वो होगा, और यहाँ पे दिव्यांग जो है उसके लिए 4%, जिस अनुसार से उसका जो सर्टिफिकेट होगा उस अनुसार से। और यहाँ पे देखेंगे कि आरक्षण में तो जो स्टेट के स्टूडेंट हैं यानी बिहार स्टेट के हैं उसी को जो है यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, और बाकी अदर स्टेट वालों को यहाँ पे यूआर से काउंट किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन में सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक प्लस 2 वर्ष का यहाँ पे न्यूनतम जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है। और यहाँ पे सैलरी जो प्रोवाइड कर रहा है 59,000 से स्टार्टिंग रहेगा टोटल। और यहाँ पे एक्सपीरियंस कहाँ से रहेगा, तो 2 वर्ष का सरकारी या किसी प्राइवेट से भी आप अगर एक्सपीरियंस आपके पास है तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे जो उम्र सीमा है यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/1/2022 तक 21 साल इसमें रखा गया है, और मैक्सिमम 37 साल, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 40 साल, और SC ST के लिए जो है यहाँ पे 42 साल है। उसके बाद है यहाँ पे चयन का प्रक्रिया, तो चयन का प्रक्रिया देखिए यहाँ पे मैट्रिक इंटर स्नातक एवं जो एक्सपीरियंस है, जो आपको एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार भी आपको यहाँ पे नंबर मिलने वाला है। तो पहला आपका मैट्रिक में काउंट किया जाएगा कितना नंबर है, इंटर में, उसके बाद जो आप स्नातक किए हैं BE BTECH किए हैं उसके नंबर पे, और जो आपका एक्सपीरियंस है कितना साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम यहाँ पे 2 साल का मांगा गया है, अगर इससे ज़्यादा है तो और अच्छा है, आपको उसके बदले में यहाँ पे अंक जो है आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से कैलकुलेशन करके ये फाइंड करेगा कि आपका कितना यहाँ पे नंबर आएगा। उसके बाद ऑनलाइन देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है 21/10/2022 से 16/11/2022 तक ये फॉर्म चलने वाला है। और कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ये वेबसाइट दिया गया है, तो https://state.bihar.gov.in पे। तो यहाँ पे जो LRC में निकला था 3 पोस्ट के लिए निकला था तीनों का, तो यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए जो निकला था वैकेंसी तीनों पोस्ट का हम डिस्कस कर दिए हैं, BE BTECH और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।